पूरा गुजरात बारिश के बाद पैदा हुई मुसीबत की मार झेल रहा है। सबसे ज्यादा मुसीबत है पश्चिमी और दक्षिणी गुजरात में। गुजरात के अलग अलग हिस्सों में बारिश के बाद किस तरह के हालात हैं वो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले कच्छ का हाल जरा देख लीजिए, जहां हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। गुजरात इस बार कैसी आफत झेल रहा है, इसकी एक वानगी इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। जहां तक नजर जाए वहां तक बाढ़ का पानी दिखाई दे रहा है और इस पानी में सब कुछ डूबता नजर आ रहा है। सड़कें डूब चुकी हैं, पुल डूब चुके हैं, घर मोहल्ले बस्तियां शहर बाजार दफ्तर सब कुछ डूब चुके हैं। यह गुजरात के कच्छ इलाके में हुई बारिश के बाद का नजारा है। चारों तरफ पानी ही पानी है। इन तस्वीरों को देखकर ही डर लगता है। यह हालात कच्छ इलाके में तब बने हैं जब 24 घंटे के अंदर यहां 10 इंच यानी 250 सेंटीमीटर से ज्यादा की बारिश हुई है। कच्छ के अंजार भचाऊ लखपत नखत्राना मुद्रा मांडवी और भुज ये सारे इलाके सैलाब से घिर चुके हैं। नदियों की हाहाकारी धारा सब कुछ लील लेने को आतुर दिखाई दे रही है। लोगों के घरों तक पानी घुस चुका है। घर के अंदर भी साजो सामान बचाने की जद्दोजहद जारी है। नदी नालों के उफान का नतीजा यह है कि ज्यादातर किनारों के शहरी से लेकर ग्रामीण बस्तियां जल भराव की चपेट में। ज्यादातर सड़कों के ऊपर से सैलाब का पानी गुजर रहा है। लोग मुसीबत में जान डालकर इन सड़कों पर उमड़े सैलाब में आने जाने को मजबूर दिख रहे हैं। सड़क पुल पुलियों के ऊपर से बाढ़ का पानी बहने के कारण दर्जनों गांवों का संपर्क टूट चुका है। यहां तक कि नेशनल हाईवे भी पानी में डूबे हुए हैं। नलिया मांडवी एनएच पर नदी का सैलाब नजर आ रहा है। मुश्किल यह है कि मौसम विभाग के मुताबिक कच्छ में इन भारी मुसीबतों का सामना अगले दो दिनों तक और भी करना पड़ सकता है। ब्रजेश दोषी के साथ आज तक ब्यूरो। गुजरात के ज्यादातर इलाकों में इस तरह हाहाकार मचा है। पिछले 24 घंटे में गुजरात के 33 जिले पानी पानी हो चुके हैं। बड़े बड़े शहर पूरी तरह से डूब चुके हैं। एक दिन में 14 इंच तक बारिश हो रही है। कुछ जगहों पर तो एक दिन में 350 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। स्कूलों में छुट्टियां हैं। 17,000 लोग बचाए जा चुके हैं। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ और फायर विभाग पुलिस सब मिलकर अलर्ट पर हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं। बटोदरा की विश्वामित्री नदी की प्रचंड धारा अपनी हदों को पार कर चुकी है। खतरे के निशान के ऊपर बह रही विश्वामित्री का पानी जब आसपास के इलाकों में घुसने लगा तो चारों तरफ सैलाब का मंजर नजर आने लगा। विश्वामित्री का सैलाब बटोदरा के रिहायशी इलाकों में कहर बनकर टूट रहा है। पूरे गुजरात में बीते 48 घंटों से आसमानी आफत देखने को मिल रही है। मौसम विभाग की चेतावनी के मुताबिक बीते 48 घंटों में गुजरात का सौराष्ट्र हिस्सा हो चाहे दक्षिण गुजरात हो चाहे मध्य गुजरात हो, चारों तरफ पानी ही पानी देखने को मिल रहा है। फिलहाल मैं बड़ोदा में मौजूद हूं और मेरे आसपास में आप मेरे कमर तक का पानी देख सकते हैं और अभी और भी अगर आगे की तरफ हम बढ़ते हैं तो ये पानी का जो स्तर है वो और भी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। फिलहाल हरणी समा लिंक रोड पे मेरी मौजूदगी है और पूरा रोड जो है वो जलमग्न है और इसी प्रकार की स्थिति गुजरात के दक्षिणी हिस्से में यानी कि वलसाड़ हो तापी हो नवसारी हो सूरत हो वहाँ देखने को मिल रही है। इलाके की अजवा और प्रतापपुरा डैम से निकला पानी विश्वामित्री नदी के जरिए आगे बढ़कर बड़ोदरा को डुबो रहा है। के घर डूब गए हैं, पूरा मतलब पूरे के पूरे डूब गए हैं और हमारे घर में भी अभी भी घोटू तक पानी है। बरसात बंद हो गई लेकिन पानी उतर नहीं रहा है। हमने इधर आओ पूरा देखा, उधर भी पूरा है, नागरवाड़ा में भी पूरा भर गया है और सयाजी हॉस्पिटल के पास भी पूरा भरा हुआ है। आपकी मेरी उम्र 58 साल की है ना, इतना पहली बार ही देखा हमने बड़ोदा में।
और अभी तो हर एक विस्तार में पानी है, जैसे कि हमारे प्रताप नगर में, वीआर टॉकी, रन मुक्तेश्वर, दत्त नगर, पर कोई अभी कोई डिसीजन कोई लेता ही नहीं है। यहाँ की कॉरपोरेशन उस ढंग से हमें लगता है कि दिन पे दिन आगे भी परिस्थिति खराब ही होगी। आसमान से बड़ोदरा का हाल कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है, कहीं पूरी की पूरी कॉलोनी तो कहीं इमारत की निचली मंजिल बाढ़ के पानी में डूब चुकी है। नदी के किनारों से दूर तक रिहायशी कॉलोनियों में पानी भरने लगा है, आवाजाही के रास्ते बंद करने पड़े हैं। बारिश की मुसीबत ऐसी कि लोग अपने घरों में कैद होकर रह गए हैं। हमारा क्या है, अभी ये लोग ऐसा बोल रहे हैं कि यहाँ से आगे कास हमने बनाई है, पर वो पानी आगे विश्वामित्री के आगे हमने खुद जाके देखा है, उसके आगे सब ब्लॉक है, कोई उसका निकाल नहीं है, पूरी रास्ता ब्लॉक किया हुआ है, और वही चीज उसकी वजह से यहाँ से पानी हिलता नहीं है। ये वडोदरा में रासमस वियाडी पुलोरंग के पास है, और यहाँ पे हर साल यहाँ पे बारिश के टाइम में इतना पानी भरता है सोसाइटी में पानी तो भरता है, लोगों को आने की भी मुश्किली होती है। अहमदाबाद में बारिश के बाद सड़कों पर निकलना खतरे से खाली नहीं है, कहीं सड़कों पर जल जमाव है तो कहीं अंडरपास में डूबने का खतरा है, कहीं सड़कों पर पेड़ टूटे पड़े हैं तो कहीं आवाजाही का रास्ता बंद पड़ा है। गुजरात में 3 दिनों से लगातार बारिश चालू है, अहमदाबाद का भी पूरा इलाका ऐसा है कि जहां पे लगातार 2 दिन से बारिश हो रही है। कल देर रात से जो है 9.5 इंच के करीब बारिश हो चुकी है पिछले 24 घंटे में। हम लोग अहमदाबाद के पोश इलाके में हैं जो राजपथ क्लब के पीछे आया हुआ है, और यहां पे हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे कि किस तरह से पूरी सड़क जो है वो पानी से लबालब है, पूरी तरह से जलभराव हो चुका है, गाड़ियां यहां तक बंद हो चुकी हैं, लोग अपनी गाड़ियां छोड़कर जो है यहां से गए हैं पैदल चल के। तो जिस तरह का जलभराव यहां पे हुआ है, यहां पे काफ़ी सारी सोसाइटियाँ आई हुई हैं जो एक पोश इलाका माना जाता है पूरे शहर का, सबसे महंगा इलाका यहाँ पर है, पर जिस तरह की स्थिति है, ये नगर निगम की जो डिजास्टर प्लान था उसकी धज्जियाँ उड़ा रहा है, जिस तरह के यहाँ पे दृश्य देखने को मिल रहे हैं। 24 घंटों में 9 इंच से ज्यादा बारिश ने अहमदाबाद में भी हालात बिगाड़ कर रख दिया है। अहमदाबाद का पौश जजेस बेंगलो इलाके से लेकर सिंधु भवन मार्ग तक चारों ओर बरसात का पानी भरा हुआ है, सड़क पर चलना मुश्किल है, कहीं बीच रास्ते में कार फंस जा रही है, किसी का ऑटो बंद हो जा रहा है तो कोई बाइक को खींच कर ले जाने को मजबूर है। सूरत में तापी नदी के सैलाब ने पूरे शहर को बदसूरत कर दिया है। सूरत के नानपुरा कादरसा इलाके में तापी नदी का पानी सीवर के रास्ते वापस रिहायशी इलाकों में भर चुका है। पानी का बहाव इतनी तेजी से आया कि देखते ही देखते पूरे इलाके में सड़कों पर समंदर नजर आने लगा, बाहर खड़े वाहन पानी में डूब गए, बाढ़ का पानी घरों के अंदर घुस गया। दरअसल जोरदार बारिश के बाद उकाई बांध से पानी छोड़ा गया, तापी नदी के अंदर 2.5 लाख क्यूसेक से अधिक पानी आया तो नदी के किनारों पर जल जमाव शुरू हो गया। गुजरात में बारिश के बाद बिगड़ते हालात पर नजर बनाए रखने के लिए सरकार चौकस है। सोमवार को भी राज्य के चीफ सेक्रेटरी ने मानसून की बारिश से पैदा हो रहे खतरे के हालात को लेकर बड़ी बैठक की है, और जिला प्रशासनों को सतर्क रहने को कहा गया है। बड़ोदरा से दिग्विजय पाठक और अतुल तिवारी, सूरत से संजय सिंह राठौड़ और अहमदाबाद से ब्रजेश दोषी के साथ आज तक ब्यूरो। गुजरात में बारिश का आफत काल चल रहा है। पहले से 48 घंटे की मूसलाधार बारिश ने गुजरात के कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात बना दिए थे। राज्य के ज्यादातर डैम ओवरफ्लो हो चुके हैं, नदियां खतरे के निशान को पार कर चुकी हैं और रिहायशी इलाके टापू में तब्दील होने लगे हैं। मूसलाधार बारिश के बाद हुए कई फीट तक जल जमाव ने लोगों की मुश्किलों को और ज्यादा बढ़ा दिया है और घरों में रहने के लिए मजबूर कर दिया है। ये राजकोट की तस्वीरें हैं। 2 दिनों में 16.5 इंच बारिश के बाद सड़कों पर क्या हालात होते हैं, ये राजकोट की तस्वीरें बता रही हैं। राजकोट में पिछले 48 घंटों से लगातार भारी बारिश है वो गिर रही है, और राजकोट में पिछले 48 घंटों में 20 इंच से ज्यादा भारी बारिश गिर चुकी है, और अभी भी बारिश का कहर है वो जारी है। मौसम विभाग ने जैसे रेड अलर्ट जाहिर किया था, उसी तरह राजकोट में भारी बारिश गिर रही है। आपको दृश्य बता रहे हैं राजकोट की आजी रिवर है, और राजकोट की सबसे बड़ी रिवर है, और राजकोट शहर के मध्य में से ये होकर ये रिवर है वो पसार होती है, और इसका रौद्र स्वरूप आप दृश्य में अभी भी देख सकते हैं, और कितना ये रौद्र स्वरूप आजी नदी ने धारण कर लिया है। कुछ ही घंटों की बारिश में ये माहौल है देखने को मिल रहा है, और अभी भी रामनाथ महादेव, स्वयंभू रामनाथ महादेव मंदिर है उसके दृश्य दिखा रहे हैं।
राजकोट में सुबह से ही तेज बारिश के बाद चार घंटों के अंदर 6 इंच से ज्यादा बारिश हो गई। सड़कों पर ऐसा सैलाब आया कि वाहन भी जहां तहां फंस गए। कम समय में इतनी तेज बरसात के बाद चारों ओर पानी ही पानी नजर आने लगा। इन हालातों के बीच रेस्क्यू टीमें लगातार लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने के काम में जुटी है। राजकोट में अंडरपास में आवाजाही खतरनाक हो गई तो रास्ते बंद करने पड़े। राजकोट में पिछले 20 घंटों से भारी बारिश है वो गिर रही है और पिछले 48 घंटों में राजकोट में 20 इंच जितनी बारिश है वो गिर चुकी है और ये दृश्य है वो दिखा रहे हैं कि राजकोट में कितनी हालत है वो खराब है। राजकोट में जनजीवन प्रभावित हुआ है। राजकोट की कालावर रोड से अंडर ब्रिज है, अंडर पास है, उसके दृश्य आपको दिखा रहे हैं कि कितना पानी है यहाँ पर भर चुका है। रात से ही इस अंडर पास को बंद कर दिया गया। ये गुजरात के अरावली के मालपुर इलाके की तस्वीर है। यहाँ चारों ओर पानी ही पानी नजर आ रहा है। अरावली जिले के मोडासा में पिछले 2 दिनों की बारिश के बाद रिहायशी कॉलोनियां पानी में डूबी हुई है। अरावली जिले में लगातार 2 दिन से बारिश हो रही है। तब आज बात करें तो अरावली जिले के मोडासा के अंदर सोसाइटी के ग्राम पार्टी बाजू में उनके सोसाइटी के अंदर पानी घुस गया। घर देख सकते हो, घर के अंदर पूरा बेड सब भीग गया है और देख सकते हो। उनके साथ हम बात करेंगे। बेन के साथ क्या कहोगे बेन, आज सुबह से जो लगातार बारिश थी आपके घर के अंदर पानी घुस गया, क्या कहोगे? ये पानी कल 2 बजे रात के 2 बजे से लेकर अभी तक 2 बजे, अब आप देख सकते हैं अभी तक वैसे का वैसा ही पानी है, कुछ हिला भी नहीं है पानी। और हर साल हमारे घर पे यही सिचुएशन होती है, हर साल हमारे घर पे पानी आता ही है और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन वाले कुछ भी नहीं कर रहे। कॉलोनियों के बाहर तो जल जमाव का नजारा है ही, बाढ़ का पानी लोगों के घरों में घुस चुका है। बड़ी मुश्किल से लोग रोजमर्रा का जीवन गुजर बसर कर रहे हैं। अरवली में आज सुबह से बारिश लगातार शुरू हुई। आप देख सकते हो मोड़ासा के ये सोसाइटी के अंदर घरों में के अंदर गांव के अंदर पानी घुस गया है। घर के अंदर पूरे रसोड़े जैसे अलग चीज़ों से बिगड़ी हुई है, पूरा फर्नीचर जैसे बिगड़ गया है। हम सोसाइटी के बीच महिलाएं उनके साथ बात करके क्या कहोगे मैडम, आपके घर में पानी घुस गया था? पानी बहुत ज़्यादा पानी आता है, कल रात को 11:30 से लेकर 2:30 बजे बहुत पानी आ गया। हमारे पूरा स्टोर रूम हॉल सारे जगह के पानी आ गया। हमने सारा हमारा अनाज करियाना राशन पानी सब ऊपर रखा था। आम लोगों की शिकायत स्थानीय प्रशासन को लेकर है। उनका कहना है कि हर साल बारिश में इन कॉलोनियों में ऐसे ही जल जमाव होता है, लेकिन प्रशासन का मानना है कि कम समय में बहुत तेज बारिश के कारण ऐसे हालात हुए हैं। गुजरात के उपरवास और खेड़ा जिलों में बारिश के बाद आसपास के 35 गांवों में आने जाने के रास्ते सैलाब की चपेट में आ चुके हैं। खेड़ा का नाडियाड उन इलाकों में है जहाँ 24 घंटे के अंदर 14 इंच से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई। खेड़ा जिले में जिस तरह से मूसलाधार बारिश हो रही है, अब तक तकरीबन 19 इंच जो बारिश है वो दर्ज की गई है, जिसके चलते जो नडियाद के निचले इलाके हैं वहां पर जल भराव हुआ है। हम यहां पर जो ये आप दृश्य देख रहे हैं वो नडियाद का मेन बाजार संतराम टावर का जो बाजार है वो है, जहाँ पर घुटनों से भी ज्यादा जो है वो पानी लबालब यहाँ पर भरा हुआ है। यहाँ पर लोगों की दुकानों तक ये पानी घुस गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो दुकानें हैं वहां पर जो है वो पानी घुस गया है, जिसके चलते यहाँ के जो व्यापारी है उनको भी काफी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही जो यहाँ पर लोग आते जाते हैं, क्योंकि यहाँ से ही जो रास्ता है वो मुख्य बाजार की ओर जाता है और यातायात जो है इसके चलते प्रभावित हुआ है। मध्य गुजरात के इलाकों को मौसम विभाग ने रेड अलर्ट दिया हुआ है। इन इलाकों में बारिश भी उतनी ही तेज हो रही है, फिर भी लोग जान जोखिम में डालकर डूबी सड़कों पर आने जाने की कोशिश कर रहे हैं। गुजरात के गोधरा में रात के अंधेरे में जल सैलाब उतरा तो सड़क से देखते ही देखते एक कार सैलाब के आगोश में चली गई। गुजरात में बारिश के कारण ऐसे हादसे एक जगह नहीं शहर शहर हो रहे हैं। गुजरात के तीसरे सबसे बड़े बांध से कडाना बांध के अंदर बारिश के बाद जब 2 लाख क्यूसेक पानी आ गया तो और पानी रोकने की जगह नहीं बची। बांध का जलस्तर 410 फीट पहुंचने के बाद एक साथ 60,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। अभी कडाना बांध में 2 लाख क्यूसेक पानी की आवक हो रही है, इसकी वजह से रूल लेवल मेंटेन करने के लिए हमें अभी 6 बजे 60,000 क्यूसेक पानी छोड़ने वाले हैं। और अभी हाल 4 हाइड्रो पावर चल रहे हैं जिससे 20,000 क्यूसेक की आउटफ्लो हो रही है अभी। आज सरकार की सतर्कता के बावजूद गुजरात के अलग अलग इलाकों में हादसे हो रहे हैं, कई जगह पेड़ गिर गए। 2 दिनों में 3 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 17,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर ले जाया जा चुका है।
राजकोट से रौनक मजीठिया, अरावली से हितेश सुतारिया, खेड़ा से हिताली शाह और महिसागर से वीरेन जोशी के साथ आज तक ब्यूरो। जामनगर हो या फिर जूनागढ़, गांधीनगर हो या मोरबी, हर जगह बारिश लोगों की मुसीबत बढ़ा रही है। जामनगर में बारिश के बाद रिहायशी इलाकों में खड़ी कार तिनकों की तरह बहती हुई नजर आई। एनडीआरएफ के साथ ही एसडीआरएफ की टीमें निचले इलाकों में फंसे लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचा रही हैं। मोरबी में भी नेशनल हाईवे पर सैलाब का कब्जा देखा। इतनी बारिश के बावजूद गुजरात में 27 जिलों को रेड अलर्ट पर रखा गया है, जबकि 6 जिलों में ऑरेंज अलर्ट है। बारिश के खतरे को लेकर खुद मुख्यमंत्री एक्शन में है। एनडीआरएफ से लेकर एसडीआरएफ और स्थानीय प्रशासन की राहत बचाव टीमें सतर्क पर हैं, लेकिन जब सैलाब का पानी आ रहा है तो लोगों की परेशानी वैसे ही बढ़ती जा रही है। गुजरात जल से जंग लड़ रहा है। आसमानी आफत कहर बनकर टूटी है। पानी के प्रकोप की तस्वीरें देखिए। जामनगर में ड्रोन कैमरे ने बाल की विनाश लीला को कैद किया है। देखिए पूरा शहर कैसे टापू में तब्दील हो गया है। हर तरफ सड़कों पर सैलाब है और गलियों में मानो नदियों ने घुसपैठ कर दी हो। पानी में सब कुछ डूब गया है। पौश इलाके में रहने वाले लोग भी पानी भरने से परेशान दिखे। देखिए कैसे सैलाब के बीच खड़ी बाइक और स्कूटी करीब करीब डूब चुकी है। चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है, जिससे लोग अपने घरों में कैद रहने को मजबूर हो गए हैं। जामनगर में महाप्रभु जी पीठ के पास पूरा पुलिस स्टेशन पानी में डूब गया। देखिए सफेद रंग का ये बड़ा सा केबिन कैसे तिनके की तरह बह रहा है। जामनगर में सभी डैम ओवरफ्लो हो चुके हैं। रंगमती डैम के दरवाजे भी खोल दिए गए हैं, जिससे रिहायशी इलाकों में सैलाब का कब्जा दिख रहा है। एसडीआरएफ की टीम लोगों को रेस्क्यू कर रही है। मूसलाधार बारिश की वजह से शमशान घाट में पानी भर गया है। जामनगर के जितने भी रोड है, जो मेन रोड है, शहर के मेन रोड है, वहां भर भर के पानी भरा हुआ है। लोगों को यातायात में भी मुश्किलें आ रही है। हालात जामनगर के ये है कि जामनगर का श्मशान ग्रह है, वहां भी पानी का असर हुआ है। श्मशान ग्रह जो है उसमें भी पानी बाढ़ का आ चुका है, यानी लोगों की अंतिम विधियां भी अभी हाल जामनगर में बंद कर दी गई है, क्योंकि जामनगर का श्मशान ग्रह भी पानी के अंदर गरका हो चुका है। लोग यहां जामनगर के श्मशान ग्रह के वेटिंग में अपने परिवार जनों को लेकर खड़े है। जूनागढ़ में भी लगातार बारिश से नदियां उफान पर है। डैम ओवरफ्लो हो रहे हैं। देखिए डैम से निकलने वाला पानी लोगों को डरा रहा है। डैम लबालब होने से पास के इलाकों में दहशत का माहौल है। पूरे गुजरात में जब बारिश का जो हाल है उससे पूरा गुजरात बेहाल है। ऐसे में हम यहां पर पहुंचे हैं जूनागढ़ के विलिंगन डैम पर, जहां पर आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि जो नजारा है वो खौफनाक है। ये विलिंगन डैम का वो नजारा है जहां पर सभी दरवाजे खुले हैं और अभी इतनी तेज प्रवाह से पानी बह रहा है। इसी की वजह से जूनागढ़ के इस विलिंगन डैम के आसपास लोगों को नहीं आने की हिदायत दी गई है। जूनागढ़ में पिछले दो दिनों से ऐसे तो धीमी बारिश हो रही है, पर जो बारिश ऊपर मास में हो रही है, यानी कि गिरनार की पहाड़ियों में जो बारिश हुई है, इसकी वजह से यहाँ पर ये नजारा देखने को मिल रहा है। वहीं साबरकांठा जिले में सबसे ज्यादा बारिश प्रतिंज और तालोद में हुई है। 4 इंच से ज्यादा बारिश होने से नेशनल हाईवे पर पानी भर गया है। साबरकांठा समेत पूरे गुजरात में पिछले 24 घंटों से जमाजम बारिश हो रही है। बारिश की बदौलत अगर बात की जाए तो साबरकांठा का हिम्मतनगर में अरावली से जुड़ता हुए रास्ता है, इस रास्ते पे पानी भरा हुआ है। खास करके जो बात की जाए तो इस रास्ते पे और कई सोसाइटियों में अभी भी पानी भरा हुआ है। मोरबी में हालात बेकाबू दिख रहे हैं। देखिए कैसे नेशनल हाईवे समंदर बना हुआ है और कुछ ट्रक पानी के प्रकोप के बीच ऐसे फंसे हैं कि उनकी जान परवानाई है। गुजरात में बारिश की तबाही से निपटने के लिए मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल लगातार ग्राउंड जीरो पर जाकर हालात का जायजा ले रहे हैं। सीएम भूपेंद्र पटेल गांधीनगर में कंट्रोल रूम पहुंचे और यहां संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक कर 24 घंटे अलर्ट रहने के निर्देश दिए। प्रशासन की टीमें अब तक 4,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा चुकी है।
मौसम विभाग के मुताबिक 29 अगस्त को भी उत्तर गुजरात के जिलों को छोड़कर सभी जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया है। गुजरात रीजन के लिए हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल की वार्निंग है और साथ में ऑरेंज अलर्ट जारी है और डे 3 के लिए गुजरात रीजन के सारे डिस्ट्रिक्ट कवर है जिसमें हैवी रेनफॉल की वार्निंग है और साथ में येलो अलर्ट जारी है और इसके साथ ही जो डे 3 में भरूच सूरत नवसारी वलसाड दमन दादरा नगर हवेली डांग के लिए हैवी रेनफॉल की वार्निंग और साथ में ऑरेंज अलर्ट जारी है डे 3 के। इन दिनों गुजरात के 20 से ज्यादा जिले सैलाब के आगे मानो सरेंडर कर चुके हैं। मौसम विभाग का रेड अलर्ट बता रहा है कि अभी आसमानी आफत का खतरा टला नहीं है। जामनगर से दर्शन ठक्कर, जूनागढ़ से भार्गवी जोशी, साबरकांठा से हसमुख पटेल और गांधीनगर से ब्रजेश दोषी के साथ आज तक ब्यूरो। मॉनसून की बारिश आफत बनकर बरस रही है। कई इलाकों में पानी भरा हुआ है जिससे लोगों की परेशानियों का सामना और ज्यादा उनके लिए बढ़ चुका है। परेशानियां लगातार बढ़ रही हैं। इन मुश्किल हालातों के बीच रेस्क्यू टीम के जवान मोर्चे पर डटे हुए हैं, लोगों को हर मुसीबत से बाहर निकालने में पूरी कोशिश कर रहे हैं और कामयाब भी हो रहे हैं। हमारी एक खास रिपोर्ट देखिए। इनके जोश और जुनून का कोई तोड़ नहीं, इनके शौर्य का कोई मोल नहीं, इनके हौसले को सलाम। इस समय देश का करीब आधा हिस्सा बाढ़ और बारिश के कहर से जूझ रहा है। कहीं लैंडस्लाइड के बाद बिगड़ते हालात के कई मोड़ हैं, तो कहीं बाढ़ बारिश में फंसी जिंदगी की जद्दोजहद है। इस भयानक संकट के बीच एनडीआरएफ और एसडीआरएफ और दूसरी एजेंसियों के जवान मोर्चे पर डटे हुए हैं। इन जवानों की हिम्मत के आगे हर मुसीबत ने शिकस्त मानी है। गुजरात के कई इलाकों पर जल प्रलय टूटी, बाढ़ और बारिश के जोरदार प्रहार के आगे कई मुश्किलें खड़ी हो गईं। लेकिन एनडीआरएफ के जवान इन मुश्किलों की घड़ी में देवदूत बनकर सामने आए हैं। वलसाड़ में एनडीआरएफ के जवान हर संकट के बीच मुस्तैदी से डटे हुए हैं। जहां भी जरूरत पड़ रही है वो तुरंत एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। जिंदगी बचाने के मिशन में वो हर मुश्किल चुनौतियों को बेअसर करने में जुटे हैं। एनडीआरएफ जवानों ने यहां पानी के भंवर के बीच फंसी एक गर्भवती महिला का रेस्क्यू किया। लेवल है वो ज्यादा बढ़ चुका था, इसलिए जो औरंगा रिवर का जो पानी है वो हनुमान बागड़ा और वलसाड़ के बीच वाले इलाके में आ गया था। इस वजह से जो हनुमान बागड़ा और वलसाड़ का जो रोड का जो कनेक्शन आना जाने का जो आवागमन वो बंद हो चुका था। एक प्रेग्नेंट महिला को जिसको मेडिकल इमरजेंसी थी तो उसको हमने रेस्क्यू किया था। दरअसल एनडीआरएफ लोगों के लिए जीवन दायिनी बनकर सामने आई है। उधर गुजरात के पोरबंदर में कोस्ट गार्ड भी अलर्ट मोड पर है। बदलते मौसम को देखते हुए मछुआरों से अपील की जा रही है कि वो उफनती लहरों से दूर रहें।